छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल पटना से दिल्ली रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि SBI भाजपा के साथ है। क्या उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक जवाब देने की बात कही है। इसके बाद धरना प्रदर्शन और साथ ही जो यूनियन है वह भी कह रही है कि आपको जवाब दे देना चाहिए, यह बैंक के विश्वास का सवाल है। यह स्टेट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो गई है। क्या उन्होंने क्या सवाल इस बात का है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन करना चाहिए। वहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भाजपा ज़्यादा पैसा जमा कर रही है? जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि जब वह लिस्ट आएगी किसको किसको क्या काम मिलेगा यह पत्रकार लोग हो सवक करेंगे। वहीं भाजपा के द्वारा कहा जाना कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो गई है, जिस पर वे कुछ भी कहने से बचते रहे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है सबने स्वागत किया है, आम नागरिक ने इसको स्वागत किया है। और अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कहा 30 जून तक के, जून महीने तक के हम जवाब देंगे, इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन और साथ ही जो यूनियन है वो भी कह रही है कि भाई आपको अभी दे देना चाहिए, ये तो बैंक के विश्वास का सवाल है। तो ये स्टेट बैंक भारतीय जनता पार्टी की शाखा हो गई है क्या? सवाल इस बात का है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ज़्यादा पैसा बीजेपी जमा कर सकती है क्या? ये जब वो लिस्ट आएगा और किसको किसको क्या काम मिलेगा ये पत्रकार लोग खोजिएगा, दोनों की लिंक जोड़िए तो सब समझ आ जाएगा।